नमस्ते। आज मैं मूंग का डोसा बना रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को दाल खाना पसंद नहीं होता है, उन्हें दाल खिलाने के लिए आप मूंग का डोसा बनाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए भी दे सकते हैं, शाम के इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं और उनके टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। उन्हें ये दाल वाला डोसा खाकर बहुत अच्छा लगेगा। मूंग का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी मूंग लेना है, इसे हम 6-7 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दें। मूंग को हमने 6-7 घंटे सोक करके रखा है, जिससे ये मूंग जो है फूल गए हैं। इसे हमने 2-3 बार वॉश कर लेना है। उसके बाद हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। पीसने के लिए हमें एक कटोरी कोरिएंडर लीव्स चाहिए, 2 हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा जिंजर लेंगे, 1 इंच नमक डालेंगे और उसमें हम पीसने के साथ में हींग डालेंगे। इन सबको मिक्सर में पीस लेंगे। अभी हम मूंग का पानी निकाल के मिक्सर में पीसेंगे, साथ में जिंजर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा हींग, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। इसमें हम 1 कटोरी धनिया जो है वॉश करके डाल देंगे। इन सबको साथ में पीस लेंगे एकदम बारीक। ये मूंग हमने पीस लिया है एकदम बारीक। अभी हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा चावल का आटा और मूंग मिक्स हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे चावल का आटा और मूंग जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और उसे डोसा जो है आपका बहुत अच्छा बनेगा। मूंग में हमने चावल का आटा डाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखा था। अभी ये देखो थोड़ा चावल का आटा डालने से गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। तरह से ऐसे रहना चाहिए। अब हम इसके डोसे बनाने शुरू करेंगे। हमारा तवा अभी देखिए गरम हो गया है। तवा जो है मीडियम गरम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गरम ना बहुत ज्यादा ठंडा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस अभी हम डोसा बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से इसे डालेंगे और इसे तुरंत फैलाना शुरू कर देंगे। सब तरफ से हमें इसे अच्छे से फैला लेना है। अब हम इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे मीडियम हीट पर पकाएंगे। अभी ये नीचे से पका नहीं है, जब ये नीचे से पक जाएगा तो ये अपने आप ही तवे को छोड़ने लग जाएगा। अभी हमारा ये डोसा देखिए एक तरफ से पक चुका है। अभी हम इसे पलटेंगे इस तरह और इसे दूसरी तरफ भी अच्छे से बना सेक लेंगे। तो हम इसके चारों तरफ थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब ये डोसा दोनों तरफ से पक कर तैयार हो गया है। अब ये खाने के लिए तैयार है। ये मूंग का डोसा जो हमने बनाया है, अगर आप दूसरे डोसे थोड़ा 10-15 मिनट बाद या 1/2 घंटे बाद बनाना चाहते हैं तो आप इसे बाहर मत रखिए, क्योंकि ये कच्चे मूंग पीसे हुए हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, ये अगले दिन तक ख़राब हो जाता है फ्रिज में रखा हुआ भी। तो इसे आप उसी दिन ही 3-4 घंटे के अंदर ख़त्म कर दीजिए बनाकर। मूंग का डोसा आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।